बिलासपुर संभाग के आईजी रतनलाल डांगी ने बुधवार को जांजगीर चांपा जिले में योगा क्लासेस लगाई। आईजी डांगी ने पुलिस लाइन में योग क्लास लगाकर पुलिसकर्मियों से योग कराया। इस दौरान स्कूली बच्चों के अलावा आसपास के लोगों ने भी हिस्सा लिया। आईजी को अपने बीच पाकर और उनसे योग के टिप्स सीखकर स्कूली बच्चे काफी उत्साहित हुए। बच्चों का कहना है कि आईजी से सीखे हुए टिप्स वो अपने दोस्तों और परिजनों को भी सिखाएंगे। जी सर, योगा सिखाने आए थे और हम सुबह 5:30 बजे ही यहाँ आ गए थे और हमें यहाँ आके बहुत कुछ सीखने। यहाँ आईजी सर योगा सिखाने आए थे और हम सुबह 5:30 बजे ही यहाँ आ गए थे और हमें यहाँ आके बहुत कुछ सीखने को मिला, नया सीखने को मिला और योगा करके हमारे बहुत शरीर को स्फूर्ति हुआ, हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और हम घर में भी करते हैं और यहाँ आके हमको और कुछ नया सीखने को मिला है। इसको हम जाके हमारे घर के भी बताएंगे और घर में भी इसको करने का हम अभ्यास करेंगे रोज। मैं यहाँ से जाने के बाद अपने घर वाले, अपने दोस्तों, अपने परिवार जितने लोग है उसको सबको उत्साहित करूँ मैं। योगा करने से हमारा शरीर स्फूर्ति महसूस करता है, हमें ऊर्जा अधिक प्राप्त होता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमें अधिक योगा करना चाहिए जिससे हम रोगों से मुक्त हो सकते हैं। जिस प्रकार हमें खाने के मतलब ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार व्यायाम भी हमारे एक हिस्सा होना चाहिए। व्यायाम यदि हम डेली व्यायाम करेंगे तो हमें रोगों से मुक्त रहेंगे, हमें दवाइयों की आवश्यकता नहीं होगी। तो बच्चे कल से ही काफी उत्साहित थे कि मॉर्निंग में हमको कुछ नया चीज देखने को मिलेगा और यहाँ पर आने के बाद वाकई में हम लोगों ने एक बहुत अच्छा नजारा देखा और सर के द्वारा बहुत अच्छा अच्छा आसन बताया गया जिसका लाभ हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। आज के कोरोना काल में तो योगा का और ज्यादा ही अभ्यास करना जरूरी है क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे और समाज को भी स्वस्थ रख सकेंगे। इस तरह से हमारे बच्चे आज बहुत ही मोटिवेशन मिला है बच्चों को आज और इन लोग बहुत उत्साहित है कि हम जो है अपनी जो कमाई कर रहे हैं वो किसी न किसी बीमारी में हम खर्च कर देते हैं तो एक कह सकते हैं कि जो भी हम समय दे रहे हैं वही इन्वेस्टमेंट है। उस तरफ सभी लोगों को, चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, और सभी लोगों को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है और विशेषकर हमारे पुलिस स्टाफ को, चाहे योगा हो उसकी तरफ या वर्कआउट हो उसकी तरफ इसलिए ध्यान देने की जरूरत है कि उनकी जो ड्यूटी के आवर्स होते हैं उसमें काफ़ी तनाव भी रहता है और योगा या वर्कआउट या फिजिकल एक्टिविटी से आपका जो तनाव है वो दूर होता है और जब आप तनाव मुक्त रहते हैं तो काम भी अच्छा करते हैं और लोगों के प्रति आपका व्यवहार में भी बदल।